नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग मुझे काफ़ी टाइम पूछते हैं कि कौन सा गिटार आपको लेना चाहिए जो कि बजट में हो, जिसमें अच्छे क्वालिटी का वुड हो, जिसमें कट अवे डिज़ाइन हो, जिससे आप टैब्स आराम से प्ले कर पाए एंड आपको एक इलेक्ट्रो एकोस्टिक का ऑप्शन भी उसमें मिल जाए। तो सभी का कम्बिनेशन आपको इस गिटार पर मिल जाएगा जो है टैंगलवुड का रोस्टर सीरीज का गिटार। तो काफ़ी बजट फ्रेंडली गिटार है। तो इसका जो स्पेक्स है, इसका बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, इसका प्लेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। तो इसका आज हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, इसका स्पेक्स देखेंगे, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है देखेंगे एंड देखेंगे कि ये गिटार आपके लिए सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले गिटार का क्लोज लुक देखते हैं, इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, देन इसका साउंड टेस्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ओवरऑल साइज काफ़ी हैंडी है, अराउंड 40 इंच का इसका साइज है। सारा डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा या फिर इसके वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका जो टॉप बना है ये बना आपका स्प्रूस का, बैक एंड साइड्स बना है महोगनी का, काफी अच्छा ग्रेन से आप देख सकते हैं। तो इसका जो ब्रिज बना है आपका बना है वॉलनट का, फ्रेटबोर्ड बना है एबनकोर का। तो यहाँ पे आपको डायकास्ट ट्यूनिंग पिक्स भी मिल जाते हैं जिसका क्वालिटी काफी अच्छा है एंड यहाँ पे आपको फोस्फर ब्रोंज का स्ट्रिंग्स मिल जाएगा, 12 गेज वाला स्ट्रिंग्स है। एंड यहाँ पे और एक खास बात है कि इसमें आपको 4 बैंड इक्वलाइजर भी मिल जाता है टैंगलवुड का ही, ठीक है ना। तो ये आपको सुपर फोक कटअवे डिजाइन में मिल जाएगा जिससे आप हायर फ्रेट्स पे आराम से प्ले कर पाएंगे एंड इसमें आपको नेचुरल सेटिन फिनिश भी मिल जाता है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसका जो प्राइस है आपको अंडर 15,000 मिल जाएगा। तो करेंटली इसका MRP अराउंड 16,300 रुपीज़ है, आप चेक कर सकते हैं, चेंज होता रहता है। तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके 10% फ्लैट ऑफ पा सकते हैं टैंगलवुड गिटार्स पे किसी भी मॉडल पे, ठीक है ना। तो चलिए इसका साउंड टेस्ट करते हैं, इसका रॉ साउंड होगा, मैंने कोई भी एडिटिंग किया नहीं।
तो आपने इसका साउंड क्वालिटी सुन लिया है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा इस रेंज में। इसका प्ले बिल्ड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कटअवे के साथ आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से इसमें टैब्स वगैरह प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका पिकअप का क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा एडिटिंग करके आपको काफ़ी अच्छा साउंड मिल जाएगा इसमें। तो आपने सुना मैंने पिकअप का यूज़ करके 2-3 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किया है, तो आप बताइए आपको कैसा लगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए अराउंड 15,000 में ये काफ़ी अच्छा डील है। अगर आप 15,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं गिटार पे, आप इसको आराम से ले लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का रिव्यू यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको हेल्प किया है जज करने में गिटार का क्वालिटी कैसा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया गिटार के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा हेल्प करने, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज एंड लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।